विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुनील प्रभु जी हैं। सुनील सर, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव फंसा हुआ है, आप लोग मांग कर रहे हैं राज्यपाल जी से कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं, कहाँ ये मामला जाता हुआ दिख रहा है? ऐसे कि राज्यपाल महोदय ने अध्यक्ष का चुनाव के लिए जब विधिमंडल ने परमिशन मांगी है और कैबिनेट में वो प्रस्ताव मंजूर करने के बाद माननीय राज्यपाल जी के पास भेजा, लेकिन अभी तक उसको परमिशन नहीं आई। पिछले दो सेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल ने खत भेजा था कि आप ये इलेक्शन ले लो, लेकिन आज इलेक्शन लेने का समय आया, हम प्रस्ताव लेकर उनके पास गए तो उसको आज परमिशन नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ये समझता हूँ कि राज्यपाल ये राज्य के प्रमुख होते हैं, वो कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं होते, लेकिन जिस तरह से ये अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो राजनीति की जा रही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। क्या कल चुनाव होने की संभावना है, क्या विकल्प देखते हैं आप, या आपको लगता है कि इसे टाल दिया जाएगा या संभव नहीं दिखता? अभी तक राज्यपाल जी से कोई अभी तक पॉजिटिव संदेश आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब तक संदेश नहीं आएगा तब तक चुनाव घोषित करना भी कठिन है। मुख्यमंत्री जी की तबीयत कैसी है और उनकी उपस्थिति के बारे में लगातार बीजेपी का एक सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी उपस्थिति के संबंध में? स्वस्थ है, हर वीसी में आकर वो मंत्रिमंडल के बैठक में आते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, राज्य में जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और खुद हर समय पर हमारे मंत्री महोदय से बात कर काम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। दो दिन का ही अब समय आज और कल का है, क्या उपस्थिति लगते हैं सीएम सर आप आएंगे या अध्यक्ष का चुनाव होता है तो आवश्यकता रहेगी तो जरूर आएंगे? अभी तक क्या स्थिति है कि अगर चुनाव होता है तो आएंगे या फिर क्योंकि कोरोना के भी मामले हैं? ऐसे कोई स्थिति अगर पैदा होती है जिसमें सीएम उपस्थित रहना जरूरी है तो जरूर आएंगे। कोरोना के मामले भी देख रहे हैं हम कि 2300 जो हैं उसमें से 35 पॉजिटिव आए, जिसमें पत्रकार हैं, दो MLA मंत्री जी हैं, स्टाफ है, तो उसको लेकर भी बड़ी चिंता है। ये चिंता की बात है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दो दिन में सारे लोगों ने नियम का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क और अंतर रखना चाहिए, और केवल अधिवेशन समय में नहीं तो उसके बाद भी जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है उसके लिए दक्षता देना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनील प्रभु, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ती है तो वो ज़रूर विधानसभा में भी उपस्थित रहेंगे, और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात की जाए तो अभी तक राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या चुनाव हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।